एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उसके लिए ढेर सारा दुलार, ढेर सारा थैंक यू दोस्तों। और जिन्होंने मुझे देखना ज्वाइन किया है, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद उनके लिए भी, वो भी आगे बढ़ें, सक्सेस रहें, सफल रहें। दोस्तों, आज देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनल रीडिंग शुरू कर दिया है और साथ ही साथ मैं हस्त रेखा भी देखती हूँ। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग कराने में, हस्त रेखा रीडिंग कराने में, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप मेरे टीम से कांटेक्ट करके आप अपना समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो रीडिंग होगी वो चार्जेबल होगी दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज नहीं दी जाएंगी, बल्कि होम रेमेडीज दी जाएंगी, जिससे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं और आप पहले की तरह स्वस्थ और निरोग हो जाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों कि हम अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, कैसे इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इतना अच्छा बना सकते हैं कि सामने वाला आकर बोले कि आप वाकई अब बदल गए हैं, आप कितने स्मार्ट हो गए हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप कितने फुर्तीले दिख रहे हैं, आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, आपको सामने से लोग आकर बोलें, यानी आप में बहुत ही चेंज आ गया है, ऐसा लोग बोलें आपके बारे में। आज इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे कि हम अपने आप को कैसे निखार सकते हैं। देखते हैं गाइज कि आप अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आप पहले से भी अधिक स्मार्ट हो जाएं और कॉन्फिडेंट हो जाएं। जगल, डेविल, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ रॉड्स, द फूल, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको अपने आप को अधिक निखारने के लिए सबसे सही तरीका है कि पहले हम अपने आप को जानें, अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहला बात होता है कि मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ, कैसे निखार सकता हूँ और अपने में क्या थोड़ा बहुत बदलाव लाके मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाऊँगा और बहुत ज़्यादा एकदम निखर जाऊँगा। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल से ये पता चलता है कि आप जितना है कि दुविधा में मत रहिए, यहाँ पे ये दिया गया है, आप दुविधा में मत रहिए, आप स्टक मत रहिए, कंफ्यूज मत रहिए, आप यहाँ पे दिया गया अपने को निखारने के लिए अपने लिए सही दिशा चुनिए, सही राह चुनिए, तभी आप बहुत ही अट्रैक्टिव बन पाएंगे और बहुत ही अपने लिए जब सही दिशा चुनेंगे तो आपका दिल और दिमाग जो रहेगा वो एकदम निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ पहली बात ये है कि आप दूसरों का मान सम्मान करना सीखें। अगर आप दूसरे का मान सम्मान कर रहे हैं तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा
जो आप दूसरे को देते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस कार्ड को देकर, आप दुविधा में ना रहिए, दूसरे का मान सम्मान करिए, बड़ों का मान सम्मान करिए, तो देखिए आपका जो खुद का मान सम्मान है कितना आगे बढ़ेगा, और आप देखते ही रह जाएंगे कि आप में कितना परिवर्तन आ गया। आप बॉडी लैंग्वेज में भी परिवर्तन आ गया, आपके बॉडी में भी एकदम सुधार आता जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है, किसी के प्रति आप अपमान की भावना ना रखें, किसी के प्रति गुस्से की भावना ना रखें, सबको समान समझें, और अगर आपको जो भी रिश्ते मिल रहे हैं उसको सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। अगर सही तरीके से निभाते हैं तो आपको खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से मिलेंगी, यश मिलेगा और आपको मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है, दूसरे कार्ड से ये पता चलता है कि आप अपनी जिस बुराई को आप जानते हैं, सबसे पहली बात ये है कि अपने अंदर जिस भी कमी को आप जानते हैं, किसी भी कमी को आप पहचानते हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। वो कमी आप खुद जान सकते हैं दोस्तों कि आप में क्या कमी है। हो सकता है बहुत लोग देर से सोते हों, बहुत लोग जल्दी उठ जाते हों, या बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश करने वाले हों, हो सकता है बहुत लोग सिगरेट पीने वाले हों, बहुत हो सकता है कि ड्रिंक करने वाले हों। तो आप में जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, सबसे पहले आप उनको दूर करो, सबसे पहले उसको अपने ज़िंदगी से निकाल फेंको। यहाँ पे ये इस कार्ड से ये पता चल रहा है, नहीं तो आप कभी भी अपने आप को निखार नहीं सकते हो और कभी भी आप अपने को सुधार नहीं सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे अपने को निखारने के लिए पहले अपने कमियों को दूर करना सीखो। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपके पास जो भी आएगा उसको एकदम अच्छी बातें बोलो, अच्छी बात समझाओ, ताकि वो आपके पास आए और आपकी बातों को समझे। इस कार्ड से ये पता चलता है आप में जो भी एडिक्शन है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उसको आप दूर करने की कोशिश करें, तब आप खुद ही अपने में चेंज पाएंगे, आप खुद ही निखर जाएंगे। यहाँ पे ये दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी बात है कि आप इस कार्ड से ये पता चलता है आप दूसरे के सामने कैसा आप प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, यानी आप क्या प्रेजेंट करते हैं, सही प्रेजेंट करते हैं कि गलत प्रेजेंट करते हैं। अगर गलत प्रेजेंट करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी दोस्तों। अगर आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आपके बहुत निखार आएगा आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनालिटी में और आप में, क्योंकि सही लोग को सब लोग पसंद करते हैं, अच्छाई को सब लोग पसंद करते हैं, बुराई को कोई नहीं पसंद करता है। तो आपको प्रस्तुत करने आना चाहिए, आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए कि मेरे को कैसा प्रेजेंट करना है। अपने कमियों को दूर करके और अच्छाइयों को प्रेजेंट करिए, तब आप जीवन में बहुत ही सक्सेस और समृद्ध रहेंगे। और यहाँ पे इस कार्ड से भी पता चलता है कि आप अपने कमियों को दूर करिए। और तीसरे कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि द वर्ल्ड, इससे ये पता चलता है कि आप अपने समय के साथ चलें। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आप अगर समय का इज्जत नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं, तो समय भी आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। एक कहावत है ना कि बीता हुआ समय कभी वापस लौट के नहीं आता है, सेम यही सिचुएशन है। आप समय का सही सदुपयोग करिए तो समय भी आपका साथ देगा, आपको सक्सेस देगा, सफलता देगा, और आपको निखारने में, सुधारने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है आप परिस्थितियों के अनुसार चलिए, समय के अनुसार चलिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना निखार आता है, आपके खुद के व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप में निखार आएगा, ऐसा लगेगा कि आप पूरे वर्ल्ड के राजा हो, या खुद को अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही आत्मविश्वास की जागृति होगी। इस कार्ड से ये पता चल रहा है,
आप अपने अंदर परिस्थितियों के अनुसार चलना सीखें, समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि अगर जिसने समय का सदुपयोग नहीं करना सीखा, समय की कीमत नहीं सीखी, वो कभी भी आगे और सक्सेस नहीं बढ़ सकता है। समय पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। इसके लिए अपने आप को निखारने के लिए पहले समय को इम्पोर्टेंट दो, समय से उठो, समय से हर कार्य करो, तब आप बहुत ही निखर के आएंगे जीवन में और सक्सेस हो के आएंगे। चौथे कार्ड से ये पता चलता है कि आप किसी, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं दोस्तों, उसको बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा और हार्ड वर्किंग से करिए, यहाँ पे दिया गया है। कोई भी आप कार्य करिए, कोई भी कार्य क्षेत्र में आप घुसते हैं, तो उसको बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही सच्चाई और बहुत ही निष्ठा से करिए, तो आपके जीवन में वैसे ही सक्सेस आएगा, सफलता आएगा, आप स्वयं निखर जाएंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने खुद किया है ये, दूसरा कोई नहीं किया है, आपको इतना अंदर से साहस आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये काम मैंने खुद के मेहनत से किया है, किसी और के कहने पे नहीं किया है। इस कार्ड को देख के ये पता चलता है। यहाँ पे आप बहुत ही पावरफुल इंसान है दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहा है उसके अंदर बहुत ही कार्य क्षमता है, बहुत ही धैर्य है, साहस है, आप अपने आप को निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे ये दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ रॉड से ये पता चलता है कि आप अपने को निखारने के लिए अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ प्यार कीजिए। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करेगा, दूसरों से क्या प्यार करेगा दोस्तों। यानी अपने को भी तवज्जो दीजिए, अपने आप को भी अच्छा फील कराइए कि हाँ मैं हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है, सेल्फ लव करना सीखिए। क्वीन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, तो इसी तरह आप अपने आप को सजना संवरना, अपने से प्यार करिए और साथ ही साथ दूसरे का भी देखभाल कीजिए, दूसरों की भी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, यहाँ पे ये दिया जा रहा है। इससे आप और भी अधिक जीवन में निखरते जाएंगे दोस्तों। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए, इस कार्ड से ये पता चलता है। यहाँ पे फोर ऑफ रॉड से ये पता चलता है दोस्तों कि आप जीवन में जो भी करना चाहें, अपना उद्देश्य रखें, जो भी अपना कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य रखें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपना जो एम है, जो उद्देश्य है, वो बहुत ऊंचा रखें दोस्तों। अगर आप अपना एम हाई रखते हैं तो आप उसको पूरा करने में अपना जी जान जरूर लगाएंगे, और जब आपका उद्देश्य पूरा होगा तो आपको अपने अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा, अपने अंदर से ही खुशी होगी कि मैंने ये उद्देश्य पूरा कर लिया अपने बलबूते। यहाँ पे ये कार्ड को देख के लग रहा है, और आपको जीवन में वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप चाहते थे, इस कार्ड से ये पता चल रहा है। देख रहे हैं, इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं, वो सब पूरी होने वाली हैं, इस कार्ड से ये पता चल रहा है। आप अपना उद्देश्य जो बहुत हाई रखिए, तो आप अपने अंदर से वैसे ही निखर जाएंगे कि मैंने अपने ही ताकत, परिश्रम, लगन से मैंने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करें, आपके जीवन में वैसे ही निखार आता जाएगा, यहाँ पे ये दिया जा रहा है। और निखार आने के साथ साथ आपको सारे सुख मिलेंगे, भौतिक सुख मिलेंगे दोस्तों। आपका जीवन, आपका लाइफ बहुत ही सक्सेस और सफल रहेगा अगर आप अपने आप को निखारते हैं, सुधारते हैं। तो इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि आप अपने किसी भी बात को करना चाहते हैं, या उसको उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं,
आप निराश मत होइए, मस्त मौला होकर उस काम को करिए, यानी उस काम में अपना 100% दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप 100% देते हैं और सच्चे मन से देते हैं, तो आप वैसे भी निखर जाएंगे अपने जीवन में। और साथ ही साथ आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इस कार्ड से ही पता चलता है। आप मस्त मौला रहें, खुश रहें, आनंद से रहें इस कार्ड की तरह, तो आपके जीवन में जब आप खुशियों को प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में वैसे ही सुख समृद्धि और साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। आपका जीवन वैसे ही निखर जाएगा और आप सक्सेस और सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस कार्ड में ये बताया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है कि आप शून्य की ऊर्जा में हैं। शून्य मतलब बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, बोलते हैं ना शून्य, जिसके जिस नंबर के पीछे लग जाता है तो उसकी ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। उसी तरह आप जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे उसमें आपको सफलता सक्सेस हासिल जरूर होगी, आपके जीवन में बहुत ही निखार आने वाला है। द फूल कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि आप शून्य की ऊर्जा में हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ऊर्जा है बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही सकारात्मक है दोस्तों। हर समय कुछ ना कुछ नया सीखें, नया करके अपने दिमाग से काम करें, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, कोई भी काम सीख सीख के एकदम अच्छा करने लगते हैं, उसी तरह आप लोग अपने को निखारने के लिए हर काम को सीखें, फिर उसके बाद उसमें परिपक्व हो जाएं। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, खाली नहीं बैठे रहें दोस्तों। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहें, कुछ पुस्तकें पढ़ते रहें और साथ ही साथ कोई ना कोई काम आप करते रहें, अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करते रहें। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप अनुभव प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे और कुछ नया नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपका जीवन वैसे ही निखर जाएगा, वैसे ही सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप जो बात करने का तरीका है, बोलने की प्रक्रिया है, उसको आप सुधार लें अपने में। आप एकदम सही मीठी वाणी बोलें तो देखिए जो आपके दुश्मन हैं वो भी आपके तरफ आ जाएंगे और आपसे प्यार करने लगेंगे। अपने को निखारने की सबसे बड़ी वजह होती है मीठी बोली। अगर आप मीठी बोली बोलते हैं दोस्तों तो आप एकदम तरीके से बोलिए, स्पेशल रूप से बोलिए, आप बोलने की कला को एकदम अच्छे से प्रेजेंट करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या कह रहा हूँ, ताकि दूसरों पर प्रभाव पड़े दोस्तों। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप में हर एक चीज़ है, हर एक गुण है, ज्ञान का गुण है, सोचने समझने की शक्ति है, तो आप उसको यूज करिए और जो वाणी से बोलते हैं उसको एकदम मीठा बोलिए, सोच समझकर जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए, देखिए आपका जीवन कितना सक्सेस, कितना सफल हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं ओशो जैन ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या सजेशन आता है, गॉड आपके लिए क्या संदेश देते हैं कि आप अपने आप को कैसे निखारें, कैसे स्मार्ट बनाएं। पास्ट लाइफ अबंडेंस रीबर्थ आउटसाइडर सॉरो प्लेफुलनेस देखिए दोस्तों इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप अपने को निखारने के लिए, अपने को एकदम स्मार्ट बनाने के लिए
पुरानी समस्याओं को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को आप भूल जाइए। ये ओरिकल कार्ड है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ को छोड़ दीजिए, एकदम पिछली बातों को भूल जाइए और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ सक्सेस रहेगी, सफल रहेगी और अपने आप में बहुत ही आप निखार आता जाएगा धीरे धीरे। इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाला है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। देख रहे हैं आप, जब मेहनत करेंगे, अपने आप को निखार लेंगे तो आपको बहुत ही सक्सेस और सफलता मिलने वाला है, बहुत ही अबंडेंस आपके जीवन में आने वाला है। केवल आप अपने मन को थोड़ा नियंत्रण करिए, फिर आप इस सूर्य की तरह सनशाइन करेंगे, आप सूरज की तरह चमकेंगे और अबंडेंस आपके जीवन में ही लिखा हुआ है। ओरिकल कार्ड से गॉड आपको ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि अब आप अपने को जब निखारेंगे, अपने आप को स्मार्ट बनाएंगे, अपने आप को एकदम अच्छा बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा। लोग सामने से आकर बोलेंगे, वाह क्या आदमी जा रहा है, क्या औरत जा रही है, क्या मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं, वाह क्या स्मार्ट पर्सन जा रहा है। आपको देख के ऐसा लगेगा, यानी आपका पूरा नया जीवन होगा, आपका जीवन नए सिरे से शुरू होगा आपका जीवन। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जैसे आप लगेगा आपकी आपकी शुरुआत अभी से हुई है और एकदम सटीक और सही और अच्छी हुई है। आप गॉड यहाँ बोलना चाहते हैं आपको, यानी आपका बहुत ही नया जीवन हुआ है। आपने अपने अंदर कुछ गुण सीखे हैं, कुछ कमियों को बाहर निकाले हैं और कुछ निर्णय लेना सीखे हैं, जिससे कि आपका नया जीवन हुआ है। रिबर्थ का मतलब ये होता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं दोस्तों, ये आदमी एकदम जोकर बन के पूरा लोगों को खुशियाँ बांटता है और खुद भी खुश रहता है। इसी तरह ईश्वर बोल रहे हैं कि आप अपने में जब निखार लाएंगे, जब अपने आप पर्सनालिटी को एकदम अच्छा बना लेंगे, स्मार्ट बना लेंगे तो लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत आपकी तारीफ होगी कि देखो इसने अपने आप को कितना निखारा है, कितना अच्छा बनाया है, कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चल रहा है, लोग आपको समझते थे कि ये आदमी अच्छा नहीं है या ये जो फीमेल है वो अच्छी नहीं है, तो समझ जाइए कि आप अपने आप को इतना निखारेंगे, इतना अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे कि आप एकदम लोग समझेंगे, वाह क्या ये पर्सनालिटी जा रही है, कि इसने तो अपने आप को एकदम पहले जंजीरों में बांध कर रखा था लेकिन अब वो आज़ाद है, एकदम स्वतंत्र है और बहुत ही यानी थॉट से भी वो आज़ाद है। इतना स्मार्ट हो जाएंगे आप, इतनी आप में निखारता आएगी, इतने आप संवर जाएंगे, इतने आप सक्सेस हो जाएंगे कि लोग देखते हुए बोलेंगे, वाह क्या इंसान जा रहा है या जा रही हैं। और जो आप लोग को आउटसाइडर समझते थे वही आपका मान सम्मान करेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपका जो फ्यूचर है बहुत ही सक्सेस और सफल रहने वाला है और साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलने वाला है जब आप अपने को निखार लेंगे। तो इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप जितना जो पहले आप अकेला फील करते थे, जो आप समस्याओं से घिरे थे या तो मानसिक चिंताओं से घिरे थे या पास्ट लाइफ से घिरे थे, तो वो सब दूर होने वाला है आपके जीवन से। गॉड बोल रहे हैं आपका जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा और आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस, खुशियां ही खुशियां आएंगी जब अपने आप को निखार लेंगे। तो इस कार्ड से कोई कार्ड बड़ा ही नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा रीडिंग निकल कर आया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।